tips for maybe parents, I guess, who are actually facing these challenges, and as well as the professor or teachers, if you can address few things. So challenges agar bolne jayenge aaj ke students and unke attitudinal changes mein, to even we teacher go through a challenge. Because I mean itne sare kaam hote hai, aapko sirf padhana hi nahi hai. Sabko aisa lagta hai teachers ki life hai, subah jao padhao aa jao. Okay, it's no more just the teaching life. We have to even see to it that we mold their career. Right. वो मोल्ड करने के लिए करियर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम भी उनके पास जाए, वो भी हमारे पास आए. सो एवरी टीचर नीड टू टेक दैट इनिशिएटिव कि एज अ मेंटोर आप वो एक हाथ बढ़ा रहे हो क्या. गलती किया उसने, आई मीन गलती से क्लास में अगर सपोज कोई फोन बज गया, तो रादर देन यलिंग डायरेक्टली, आई मीन यू कैन वेरी वेल से कि बच्चा कीप इट ऑन साइलेंट बोर्ड, गलती से रह गया होगा, और मेबी हैव अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन बाद में बुला के इंडिविजुअली बात करो, बिकॉज इनके लिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. सो एक वो इम्पॉर्टेंट थिंग इवन टीचर्स को अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज द केस करके. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज फार एज पेरेंट्स आर कंसर्न, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा बोलता है कि पैशन, ओके, तो पैशन बच्चे क्या करना चाहते हैं, गो एंड टॉक टू अ काउंसलर. अगर काउंसलर बोलती है कि हाँ यूट्यूबर में इसका अच्छा सा शौक है, ये कर सकता है, VFX में ये अच्छा कर सकता है, एनिमेशन में अच्छा कर सकता है, तो रादर देन डायरेक्टली सेइंग नो, उसको भी एक चांस दो ना, वो क्या बोल रहा है, समझो क्या करना चाहता है एंड ऑल, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.